हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज से हम हमारे चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए हम जॉब अपडेट्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेस और इंटर्नशिप्स आप सभी के साथ अब शेयर करेंगे। आप चैनल पे देख सकते हैं कि अभी टेक्निकल रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ पे टेक्निकल इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, लेकिन इसी के साथ हमने अब डिफरेंट ब्रांच के लिए भी जॉब अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब अपडेट बताऊंगा जो कि फोकस एनर्जी लिमिटेड कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जॉब अपडेट में आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आज पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी मैं फोकस एनर्जी लिमिटेड के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही वैकेंसी वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि यहाँ पे जो वैकेंसीज अवेलेबल है उनकी तरफ से उन्होंने बता रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरसीज कंसल्टेंट्स के लिए, फिर जैसलमेर पोजीशन के लिए, गुड़गांव पोजीशन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन हमें पर्टिकुलर देखना है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड बैच भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स बैच भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं आज आपको तीनों पर्टिकुलर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब बताऊंगा वहाँ पे फ्रेशर्स बैच अप्लाई कर सकते हैं, 2020 फ्रेशर्स बैच अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। अब दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यहाँ पे जो है वैकेंसी 50 दे रखी है आपको, पोजीशन आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रेशर, और आपको जो सैलरी और फूड और एकोमोडेशन है वो कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लिख रखा है पूरा। जॉब लोकेशन आपको जैसलमेर राजस्थान में मिलने वाली है। वर्क रोटेशन बता रखा है, इसी के साथ ड्यूटी आवर्स बता रखा है कि आपको 12 आवर्स काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पूरा इन्होंने बता रखा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे रीड मोर करते हैं तो यहाँ पे पूरा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिस्क्रिप्शन खुल जाता है दोस्तों, कि आप एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले तो ये, क्योंकि जो फ्रेशर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो अभी पास आउट हुए हैं और वो एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जॉब अपडेट है। और दोस्तों, इमीडिएटली आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जितना जल्दी आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ने बीटेक किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों, इसी के बाद आपको नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, और जितना जल्दी आप इमीडिएटली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करिए कि आपने अगर अंडर ग्रेजुएट है तो आप अभी अपने अगर बीटेक कराए एनी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने एमटेक करा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता रखा है कि जो फोकस एनर्जी लिमिटेड है वह काफ़ी अच्छी कंपनी है, वो ऑयल और इन सब चीज़ों पे काम करती है, तो पूरा उन्होंने कंपनी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिर डिपार्टमेंट जो है वो फ्रेशर्स का, अभी आपको आप ट्रेनी फ्रेशर्स के रूप में वहाँ पे पोस्ट होंगे। फिर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आपके पास वो फ्रेशर्स का होना चाहिए। लोकेशन जैसलमेर और वैकेंसी 50। अब आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा पूरा कि एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, इसी के साथ आपको एक्सपीरियंस कितना है, अभी जीरो एक्सपीरियंस है तो अभी आप फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स भी डाल सकते हैं। फिर आपकी करंट एनुअल सैलरी क्या है, अगर नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पे जीरो जीरो करना है, नहीं तो आपको इसको रहने देना है। फिर करंट लोकेशन क्या है, कंट्री। फिर आपको अपना रेज्यूम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो। और दोस्तों, फिर यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू वांट टू स्पेशलाइज इन, लोड मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मोटर, VFD, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल। तो दोस्तों, ये आपको बेसिक से क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है, और ये जैसे ही आप यहाँ पे आंसर दे देंगे, ये सब बेसिक से क्वेश्चन है, इनके यहाँ पे आप जैसे ही आंसर दे देंगे फिर आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप इसमें सबमिट हो जाएंगे दोस्तों। तो इस टाइप से ये पूरा जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इस टाइप से फिर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की देख ली। अब हम बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ, जो कि दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उन्होंने क्या मांगा है, क्या पर्टिकुलर उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो आपको पूरा फॉर्म तो ओपन हो जाएगा, और आप जैसे ही रीड मोर करेंगे दोस्तों, फ्रेशर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, जितना जल्दी हो सकता है आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एनी स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, फिर ये फोकस एनर्जी लिमिटेड के बारे में इन्होंने बता रखा है, फिर यहाँ पे भी वैकेंसी जो है यहाँ पे 50 आ रही है, फिर ईमेल जो है यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको फिर इस टाइप का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों, कि आपको बताना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैक्सिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस कितना है जीरो, करंट लोकेशन, फिर आपको ये बेसिक से इनके क्वेश्चंस के आंसर देने, जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बताया था, इस टाइप से यहाँ पे आपको पूरे आंसर्स देने इनके, फिर इस फॉर्म को भी सबमिट करना है। तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इस टाइप से ये फॉर्म था। फिर हम अब बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तरफ, क्योंकि दोस्तों तीन जॉब अपडेट है, तीनों के लिए जो है वो वैकेंसी जो है दोस्तों 50-50 होने वाली है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के फॉर्म को भी आप यहाँ से भरना चाहते तो आप यहाँ से अप्लाई के नाव पे जाएंगे तो आपको पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए भी उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो फ्रेशर्स बैच है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मतलब फ्रेशर्स का होना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे इमिजिएटली अप्लाई कर सकें। और दोस्तों फिर इन्होंने डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल बताई है और पूरा बताया कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन बताया। यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फिर आपको जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा इस टाइप से। फिर आपको यहाँ पे वही अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जिस टाइप से मैंने आपको पिछले दो इंजीनियरिंग पार्ट में बता दिए। फिर यहाँ पे आपको बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर देने, और आप जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, आप इसमें सबमिट हो जाएंगे, आपको इनकी तरफ से मेल आ जाएगा, और जो भी आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी आपको पूरा ये कंपनी के मेल की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपने इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जॉब अपडेट है, फ्रेशर्स बैच के लिए है। इसी के साथ तीन इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी मैं इस टाइप्स की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, वो एक्सपीरियंस्ड बैच के लिए हो, फ्रेशर्स बैच के लिए हो, आपको चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसमें अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।